मैं हूँ किमी फ्रॉम ब्राइट स्किल्स विद किमी चैनल से और एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही विशेष और बहुत प्यारा प्लांट दिखाने वाली हूँ। मीन्स वो प्लांट है भी बहुत ज़्यादा दिखने में दोस्तों प्यारा सुंदर, और आप लोग उसे एकदम से दोस्तों पसंद भी आप लोगों को एकदम से आएगा। सो दोस्तों, काफ़ी दिन से मैं आप लोगों को फ्यूशिया के बारे में बता रही थी कि इसकी कलियां बन रही हैं, इसकी कलियां खिलेंगी। तो दोस्तों, अब मेरे फ्यूशिया की कलियां जो हैं वो खिलनी शुरू हो गई हैं, और आज फर्स्ट डे है जिसमें कि इसने दो मुझे ये कलियां दी हैं। बिल्कुल ऐसी कलियां लग रही हैं जैसे कि दोस्तों एयररिंग्स बना के इन कलियों को, मतलब इन फ्लावर्स को पहन लिया जाए। इतनी प्यारी कलियां दोस्तों ये मुझे लग रही हैं। सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इसी प्लांट के बारे में बताऊंगी और इस प्लांट को बहुत ही स्पेशल तरीके से ग्रो करने के बारे में भी बताऊंगी। तो दोस्तों, इसके जो केयर है वो बहुत ही स्पेशल और रेयर तरीके से होती है। इसकी केयर इतनी ज़्यादा आसान नहीं है, इसे हम लोग नो केयर प्लांट नहीं कह सकते, इसे हम लोग फुल केयर प्लांट कहेंगे। फिर दोस्तों, ये जो प्लांट है, अब मैं सबसे पहले आप लोगों को वैरायटी से स्टार्ट करूंगी इस प्लांट की। तो इस प्लांट की वैरायटी दोस्तों जो है वो है टाइप, मींस प्लांट का टाइप है दोस्तों देसी। ये देसी वैरायटी है। एक दोस्तों हाइब्रिड वैरायटी आती है। तो आप सभी जानते हैं आजकल तो दोस्तों हर एक प्लांट की देसी और आपको दोस्तों हाइब्रिड दोनों वैरायटी आप लोगों को मिल जाएंगी। तो ये वाला जो मेरा प्लांट है ये दोस्तों हमारा देसी वैरायटी का है, और हाइब्रिड वैरायटी अगर आप लेते हैं तो दोस्तों आप लोगों को कलर कॉम्बिनेशन ज़्यादा मिलेंगे, कम हाइट में ही आपका फ्लावर खिलने लगेगा। वेल, मेरा तो देसी प्लांट भी दोस्तों कम हाइट में ही खिलने लगा है। ये जो देसी है, इतना प्यारा प्लांट होता है दोस्तों ये, कि इसकी जो दोस्तों केयर है, अब मैं केयर स्टार्ट करती हूँ इसकी जो केयर। तो दोस्तों इसकी प्रोपेगेशन सबसे पहले आप करेंगे केयर में, तो केयर आप तब करेंगे जब आप पे प्लांट होगा। तो दोस्तों प्रोपेगेशन आप स्टेम कटिंग से कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप प्रोपेगेशन कर सकते हैं आप सीड से भी इसका प्रोपेगेशन आराम से हो जाता है दोस्तों। लेकिन सीड से प्रोपेगेशन में दोस्तों थोड़ा सा ब्लूमिंग में टाइम लगता है, और टाइम तो दोस्तों फ्यूशिया में कटिंग में भी लगेगा, लेकिन हाँ उतना नहीं लगेगा जितना कि सीड से लगेगा। तो कटिंग का ऐसा है दोस्तों कि आप 6 इंच की कटिंग इसकी ले सकते हैं। ऊपर की टॉप्स हटा दीजिए, अगर कोई कलियां आ रही हैं तो उनको हटा दीजिए, तब आपका जो प्लांट है वो रेडी हो जाएगा। आप बिल्कुल इजीली वेल ड्रेन सॉइल में उसकी कटिंग लगा दीजिए और आपका जो प्लांट है वो प्रोपेगेट हो जाएगा। नेक्स्ट ले गाइस, हम लोग इसकी सॉइल की बात करते हैं, क्योंकि अभी सॉइल की मैंने आप लोगों से बात की प्रोपेगेशन में, तो अब मैं प्लांट की सॉइल की बात भी कर लेती हूँ। तो दोस्तों इसकी जो सॉइल है, इसकी सॉइल वेल ड्रेन होनी चाहिए। अब वेल ड्रेन सॉइल में हम सुपर्ब सैंडी लोमी सॉइल कहेंगे उसे, बिल्कुल सुपर्बली मींस बहुत अच्छी तरह से इसकी जो सॉइल है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। अगर वेल ड्रेन नहीं हुई दोस्तों, जरा सी भी जमी हुई हुई, तो दोस्तों ये प्लांट डाई कर सकता है। ये एक ऐसा प्लांट है, अगर आपने केयर की तो दोस्तों सही ढंग से केयर की तो आपका ये प्लांट चल जाएगा, और अगर आपने सही ढंग से केयर नहीं की तो ये बेहद आसानी से डाई कर जाएगा दोस्तों। बिल्कुल विनका की तरह है, उसमें बस ओवर वाटरिंग विनका में हो जाए तो दोस्तों एकदम प्लांट डाई कर जाता है। इसकी अगर कोई भी एक छोटी सी भी मिस्टेक हो जाए तो ये प्लांट डाई कर जाता है। नेक्स्टली गाइज, हम लोग इसकी सनलाइट की बात कर लेते हैं। वेल ड्रेन सॉइल अगर मैं आपको कहूँ तो थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ वाटरिंग से पहले दोस्तों और सनलाइट से पहले। तो इसकी वेल ड्रेन सॉइल में आप लोग ले सकते हैं एक भाग दोस्तों आप लोग सॉइल का लीजिए, एक भाग आप लोग इसमें दोस्तों सैंड का लीजिए। लेकिन सैंड का जो मैं ये एक भाग बता रही हूँ, जितना सैंड आप ज़्यादा लेंगे उतना इस प्लांट के लिए अच्छा है। लेकिन ऐसा भी मत कीजिएगा दोस्तों कि आपकी जो सॉइल है वो पूरी सैंड ही सैंड हो, तब ये न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे इसको। तो एक भाग ही कहूँगी मैं तो दोस्तों, एक भाग या एक भाग से थोड़ा सा ज़्यादा हल्का सा आप लोग सैंड ले लीजिए, और दोस्तों एक भाग आप कंपोस्ट ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का जो प्लांट है
वो बहुत ही अच्छी तरह से दोस्तों सर्वाइव करेगा और ग्रो करेगा। नेक्स्टली गाइस हम लोग बात कर लेते हैं इस प्लांट की सनलाइट की। तो दोस्तों सनलाइट का ऐसा है कि ये दोस्तों 20 से 23 डिग्री सेल्सियस तक आराम से दोस्तों ब्लूमिंग कर सकता है। मतलब इसे बिल्कुल ठंडा मौसम पसंद है, बिल्कुल ठंडा तो नहीं कहेंगे, नॉर्मल मतलब मौसम पसंद है, जैसे कि हमारा दोस्तों इस वक्त चल रहा है जनवरी फरवरी मार्च का स्टार्टिंग का समय थोड़ा सा। और देहरादून है दोस्तों हमारा, तो देहरादून में तो थोड़ी और ठंड होती है, तो हमारा मार्च भी, तो दोस्तों काफ़ी जगह ऐसी भी हैं जहां मार्च में इतनी ठंडक नहीं होती, तो इसी वजह से मेरी ब्लूमिंग हो रही है। और अगर आपके इलाके में ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है तो ये ब्लूमिंग नहीं करेगा। बाकी अगर मैं बताऊँ तो ये प्लांट दोस्तों सीजनल नहीं है, ये पेरिनियल है। पेरिनियल सर्वाइवल इसका है, लेकिन पेरिनियल फ्लारिंग नहीं है दोस्तों। फ्लारिंग के लिए इसको सर्दी आवश्यक है। जब तक ये ठंडक में नहीं रहेगा तब तक इसको दोस्तों अच्छी तरह से ये दोस्तों नहीं कर पाएगा ब्लूमिंग। नेक्स्ट ले गाइस हम लोग इसकी बात करते हैं सनलाइट की। तो सनलाइट की ही मैं इस वक्त वेल आप लोगों से बात कर रही थी, लेकिन मैंने टेम्परेचर इसका बताया, तो सनलाइट के आर्स की बात करने वाली हूँ मैं। सनलाइट के आर्स में आप लोगों को इसको दोस्तों 3 या 4 घंटे की धूप देनी है, बस 3 या 4 घंटे। बाकी वाटरिंग दोस्तों, वाटरिंग बिल्कुल जैसे वेलरेन सॉइल्स में की जाती है सेम वैसे ही करनी है बाकी प्लांट्स की तरह। बिल्कुल जब ऊपर की परत जब तक दोस्तों सूख ना जाए, मतलब बिल्कुल सूख ना जाए सॉइल, मतलब ऐसी भी मत सुखाइएगा कि बिल्कुल ही सॉइल चटकने लगे, ऐसी भी नहीं, और ऐसी भी मत कीजिएगा कि बिल्कुल सॉइल मॉइस्ट हो और आपने पानी डाल दिया। तो आपकी जो सॉइल है वो इस तरीके से होनी चाहिए दोस्तों कि आपकी सॉइल में ऊपर की परत बिल्कुल सूखने लगे और अंदर हल्का हल्का मॉइस्चर नज़र आ रहा हो तब पानी डालें। हल्का हल्का बिल्कुल मॉइस्चर अगर नज़र आ रहा है, लेकिन अंदर की परतें अगर अभी तक भी गीली हो, जब तक भी गीली हो तब तक पानी ना डालें। वैसे वो अपने आप ही दोस्तों आप लोगों को एक्सपीरियंस में आ जाता है कि पानी कैसे डालना चाहिए। उसके बाद अब मैं बात कर लेती हूँ दोस्तों इसके स्प्रे की, यानी कि इसके पेस्ट। तो दोस्तों पेस्टिसाइड आप इसमें नीम ऑयल का नॉर्मली देते रहिए, हर हफ्ते देते रहिए, ये तो हर प्लांट के साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ। हर हफ्ते एक बार नीम ऑयल का स्प्रे जरूर कर दीजिए, साथ में डिश वॉश भी मिला लीजिए तो प्लांट्स के लिए और अच्छा होगा। तो नेक्स्टली गाइस हम लोग बात कर लेते हैं इसके फर्टिलाइजर की। तो इसको दोस्तों फर्टिलाइजर, क्योंकि पेरिनियल प्लांट है तो फर्टिलाइजर इसको चाहिए होता है हैवी, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ये कम सनलाइट का प्लांट है तो फिर दोस्तों फर्टिलाइजर हैवी से डेज बढ़ा देता है। अगर जैसे सनलाइट इसको चाहिए कम, तो दोस्तों आप इतना ज़्यादा फर्टिलाइजर इसको नहीं दे सकते, क्योंकि सनलाइट दोस्तों क्या होता है, जब हम फर्टिलाइजर डालते हैं किसी भी प्लांट में तो सनलाइट उस फर्टिलाइजर की तेजियत को कम करती है और जितना न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को चाहिए होता है वो दे देती है। तो दोस्तों इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना है, फर्टिलाइज़र दीजिए हर 20 दिन पे दीजिए या हर 25 दिन पे दीजिए, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा कम कम दीजिए, यानी कि बिल्कुल ही लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, या तो स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र इस प्लांट को पसंद नहीं है, जल सकता है। नेक्स्टली गाइस अब मैं इसके कलर्स की बात कर लेती हूँ आपसे। तो इसके कलर्स देखिए, अभी मेरा जो कलर आया है वो है दोस्तों पर्पल एंड पिंक कलर। देखिए इसकी जो ऊपर की पेटल है, जो समझिए कि कली है, वो दोस्तों पिंक कलर की है, जो कली की अंदर की पेटल थी, और जो फ्लावर पेटल है वो पर्पल कलर है। बाकी इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, वाइट आता है दोस्तों, ज़्यादातर इसमें ऐसे कलर्स मिलेंगे जो कि डबल शेड होंगे, मतलब डबल शेड मतलब जैसे मेरा पिंक और पर्पल है, आपका पिंक और वाइट निकल सकता है, या आपका दोस्तों पर्पल वाइट निकल सकता है, या आपका रेड पर्पल निकल सकता है। तो डिपेंड करता है दोस्तों कि आप लोगों का मतलब कलर क्या है और किस टाइप का प्लांट आप लोग लगा रहे हैं। बाकी एक दोस्तों मैं आप लोगों को और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जैसे कि आप लोग सीड्स खरीदते हैं, जैसे कि सीड्स खरीद रहे हैं, तो दोस्तों इसके सीड्स को आप लोगों को सीड सिंपली एक ही कलर लीजिए। जैसे अगर आपको पर्पल पिंक चाहिए तो दोस्तों आप पर्पल पिंक का ही पैकेट निकलवाइए ओनली,
वरना आपका जो प्लांट है, आपके सारे प्लांट कुछ इस तरह के ही या एक कलर के जो आपको नहीं चाहिए होगा, आप इंतजार ही करते रह जाएंगे और आपको वो कलर मिलेगा ही नहीं जो आपको चाहिए। तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखिए। बाकी सीडलिंग करते समय दोस्तों, सीडलिंग इसकी बिल्कुल ठंड के मौसम में होती है, तो इस वक्त आप इसकी सीडलिंग नहीं कर सकते। अगर आप करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप फरवरी के मौसम में कर सकते थे या फिर दोस्तों जनवरी में कर सकते थे। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं की है, तो जब आप नेक्स्ट टाइम पिटूनियाज लगाएंगे, पिटूनिया का समय आएगा 15 अक्टूबर के बाद, तब आप दोस्तों इसकी सीडलिंग को आराम से लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसकी जो जानकारी थी, यही थी दोस्तों, इतनी ही इसकी जानकारी है। मैंने आपको एक एक टॉपिक आराम से बता दिया। और दोस्तों हमारा जो वीडियो है वो 10 मिनट्स का हो गया है, तो अब मैं अपने वीडियो को दोस्तों क्लोज करना चाहूँगी, जिससे कि आप लोग भी बोर ना हो और दोस्तों वीडियो इजीली देख पाए। तो डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू कमेंट एंड ऑल्सो डू शेयर इफ यू लाइक माई वीडियोज। आप शेयर करेंगे तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अच्छी अच्छी जानकारियाँ जो उनको नहीं मालूम होंगी वो उनको पता चलती रहेंगी। सो गाइस बाय बाय।